Everyone, we have started a one chapter. What is the name of that chapter? Ratio and proportion. I think काफी question हमने solve किए थे, थोड़े से pending हैं. These questions are very important. So we'll go with the speed. Are you ready? Yes, sir. So write the question number one. I will write 4-5 question. You will solve. Where the problem is there, I will solve it again. Okay? Yes, sir. Now speed up. Question number one. A ratio B. पिन ड्रॉप साइलेंस का मीनिंग पता है ना, ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम. पिन ड्रॉप मीन्स अगर पिन करा दी जाए तो आवाज़ आ जाती है उसकी, देन द कंसंट्रेशन विल बी मोर. ओके, ए रेशो बी इज इक्वल टू 2:3 एंड वी रेशो सी इज इक्वल टू 4:5 फाइंड सी रेशो ए. फाइंड सी रेशो ए. 15:8. यस बेटे प्लीज देखिए बेटा, जिन बच्चों को आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता कीप योर आइज हियर. सबसे पहले क्या बनेगा, ए ओवर बी इज इक्वल टू 2/3. गॉट इट? और ये बन गया बी ओवर सी इज इक्वल टू 4/5. आपका टारगेट है सी अपॉन ए. सी अपॉन ए, सी आपको न्यूमिनेटर में चाहिए और ए आपको डिनोमिनेटर में चाहिए. तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, आप लिखोगे इट इज इक्वेशन नंबर 1 और इट इज इक्वेशन नंबर. जब भी करना है या तो इससे इसको डिवाइड कर दो या इससे इसको डिवाइड कर दो, व्हाट यू वांट. तो हम लिखेंगे डिवाइड 1/2, यानी कि इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, ए ओवर बी ओवर बी ओवर सी, ऐसे करते हैं ना डिवाइड, इज इक्वल टू 2/3 ओवर 4/5. बी से बी कैंसिल बेटा, क्लियर हो गया बेटा यहां तक. अब आपके पास इस तरफ क्या बच गया, ए ओवर, गॉट इट. अब यहां पे क्या बना आपके पास, 2/3 5/4. ठीक है जी, ऐसे बनेगा ना, 5 ऊपर चला जाएगा और बी नीचे, जो तो ये बन गया 10/12. कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन दिस वे. हियर आई हैव डन वन मिस्टेक. बताओ क्या मिस्टेक की है. यस बोलते रहते हो आप सारे, मैं खुद एज ए टीचर बोल रहा हूँ, कौन बताएगा व्हाट मिस्टेक आई हैव डन. ये देखो बेटा, मैंने यहाँ पे कट किया, आपने यस बोल दिया. बेटा मुझे पता आपका टाइम था, सुनो ध्यान से, मैंने क्यों यहाँ पे ये चीज़ की आपको, ताकि पेपर में गलती ना हो. व्हाट आई हैव डन, जब भी कभी डिवाइड करते हैं ना टू नंबर, सो इसका रूल है, जो ये दोनों नंबर है आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं. yes, और जब भी आपको लगे जब हम मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा ए ओवर बी, आप साथ में क्या बनेगा है सी ओवर बी. गॉट इट माई पॉइंट. तो मैंने ये गलती की थी क्योंकि पेपर में यही गलती होती है कॉम्पिटिशन में, इसलिए मैंने यहां पर यह गलती रिपीट कर दी ताकि आप लोग पेपर में गलती ना करो. क्लियर हो गया क्यों मैंने पॉज लिया यहाँ पे. मैक्सिमम टाइम होती है ना, फटाफट करते हैं यार, ए ओवर बी है, बी से बी कैंसिल, ए ओवर सी हो गया, बाद में उल्टा कर देंगे, दैट इज योर राइट आंसर. गॉट इट. लेकिन बेटा आपने ध्यान रखना है, आपका टारगेट है सी रेशो, तो क्या करोगे अब आप, कोई बताएगा. वेरी सिंपल, जो मैंने डिवाइड लिखा है कुछ नहीं करना है यहाँ पे, क्या बनेगा आपका मल्टीप्लाई. देखो मैंने क्यों पॉज लिया, क्योंकि जब भी मैं पेपर चेक करता हूं यहां पे बच्चे मिस्टेक करते हैं. अब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन बन गया अभी, ये ए ओवर बी, ए ओवर बी, बी ओवर सी 2/3 इंटू 4/5, बी से वी कैंसिल और ये बन गया 8/15. लेकिन सुन लो पहले बेटा, बोलो मत, तब मैथ्स जो है ना उसको सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, सुनते हैं. अब क्या बनेगा बेटा, हमें चाहिए C अपॉन A, लेकिन A अपॉन C है, उल्टा कर दो बाय द रेसिप्रोकल C अपॉन A, तो इस तरफ क्या बन जाएगा 15/8. सो दैट इज योर रेशियो, दैट इज योर आंसर ऑल्सो. सो प्लीज कीप इन माइंड वन थिंग, कभी भी जल्दबाजी में नंबर को पहले चेक करो डिवाइड करने वाला है कि मल्टीप्लाई करने वाला. गॉट इट. कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 2. वेयर इज द डस्टर सर, डस्टर कितने थे, यही है ना, है ना, ये तो खराब है दूजा. प्लीज अगर कोई क्वेरीज है तो प्लीज खड़े होकर पूछ सकते हैं कि सर आई हैव दिस डाउट. क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू 7:9 एंड
वी रेशो सी इज इक्वल टू 3:5 फाइंड ए रेशो बी रेशो सी. जल्दी से निकालिए. फाइंड ए रेशो बी रेशो सी. सेवन नाइन 21, 25, 45. यस प्लीज स्टैंड अप. कौन बोल रहे बेटे? कोई बात नहीं, बताइए, कुछ नहीं होता. हमें चाहिए ए रेशो बी रेशो सी. कैसे करेंगे? डोंट वरी, गलत हो जाएगा तो क्या होगा बेटा? विच मेथड हैव यू अप्लाइड? टेल द एवरीवन. अच्छी बात है, इट्स द राइट आंसर. मैं बोल रहा हूँ, जस्ट हेल्प द एवरीवन. क्या करोगे आप? ए, आपके पास ए की वैल्यू कितनी दिख रही है? 7. वेरी गुड. तो हमने लिख दिया ए 7. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी? 9. यहाँ पे बेटा 9 है, लेकिन यहाँ पे 3 है. हाँ यस बेटा, तभी तो बोल रहा हूँ फायदा होगा ना इससे. यही चीज मैं डिवेल्प करना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू डिवेल्प कि ऑल विल गेट द नॉलेज एंड आई विल सी हाउ यू विल सॉल्व इट. देखिए बेटा, इसमें ना क्विक अर्थमेटिक होता है. क्विक अर्थमेटिक मीन्स किसी भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं. वाई यू हैव टेकन बे जस्ट ओनली वन क्वेश्चन. आपने लिख दिया 7, 9 and 9. 7 यहाँ से लिख दिया बेटा, 9 यहाँ से लिख दिया. सी की वैल्यू कितनी लिखी आपने? बेटा एक मिनट, आपको ही फायदा करूंगा. मेरा तो उससे कोई बेनिफिट नहीं होना, आपको बेनिफिट सिखाऊंगा. ए की वैल्यू 7 लिख दी, बिल्कुल सही है. बी की 9, सी के नीचे 9 क्यों लिखा? सर ये शिफ्ट हो जाते हैं, ये ट्रिकी है सर, हमने तो ऐसे ही करा. देखो अब फंस गए ना आप एक चक्कर में. इसने बोले ये ट्रिकी ही है, यही चीज मैं सिखाना चाहता था आपको. क्योंकि दिस इज द हुक एंड क्रुक, मीन्स आपने रट्टा लगाया हुआ. दिस इज नॉट स्पेसिफिक मेथड. यू आर गेटिंग माई पॉइंट? किसी और के पास मेथड है इसका? सेम मेथड है. इन अब इसके पीछे 9 क्यों शिफ्ट होता है, इसका कारण बताओगे? अब मैं बताता हूँ, क्योंकि पेपर में जब क्वेश्चन आएगा ना आपको बेटा, वो आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाई दीज टू वैल्यूज आर सेम. इसके बाद इसका रीजन सिंपल होता है बेटे, क्योंकि ये जो आपका वी है दोनों में कॉमन है. क्या है बेटा? तो दैट्स व्हाई 9 इज कॉमन. आ गया आंसर? 9 को, मेरी बात तो सुन ले बेटा, मैं कॉमन वैल्यूज की बात बता रहा हूँ. पहले इस पॉइंट पे क्लियर हो गया, ये आपका नंबर है, दूसरे नंबर पे चला गया, कॉमन नंबर्स है. अब ये कहते हैं मैंने 3 भी शिफ्ट किया, क्यों किया? अब आपको लॉजिकल समझ आ गया, बी के आगे सी होता है, सी के आगे वी होता है. 3 कहाँ से लिया आपने वैल्यू, बताइए? आप बताइए 3 किस चीज़ की वैल्यू है? तो बस फिर मैंने क्या बोला, बी इज कॉमन. यहाँ पे बी शिफ्ट किया, यहाँ पे भी आपने बी के नीचे जो वैल्यू है, क्योंकि बी की यहाँ पे दो वैल्यूज आ रही है ना बेटे, एक 9 है और एक 3 है. आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया. देखो यहाँ पे भी कॉमन वैल्यू शिफ्ट कर दी, यहाँ पे भी कॉमन वैल्यू शिफ्ट कर दी, दैट्स वे वी सॉल्व. अब पेपर में याद रखोगे, मान लो एक क्वेश्चन लिखा, मैंने स्पीडली लिख रहा हूँ, देखिए, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ए रेशो बी इज इक्वल टू 2:3, ध्यान से देखना, एंड बी रेशो सी इज इक्वल टू 3:6, फाइंड ए रेशो बी रेशो सी. 3 वैल्यूज निकालनी है आपने. अब स्पीडली बताओ क्या आंसर आएगा. 2, 3, 4. 6 नहीं आएगा. 6 बेटा, 2, 3, 4 या 2, 3, 6? वेरी गुड. बस मैंने ये 6 आएगा. आप समझ गए? कभी भी क्रैम नहीं करना है किसी चीज को. देखो जब भी वैल्यू कॉमन रिपीट होती है, मींस कहां से रिपीट होती है? जो कॉमन नंबर होता है दूसरे नंबर पे. क्लियर हो गया सबको बेसिक? कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्योंकि जो एग्जामिन बेटा लिसन, लास्ट बेंच बेटा, लास्ट बेंच. आपको क्लियर हो गया बेटे? लास्ट बेंच बेटा, आप लास्ट बेंच पे तो हो नहीं, आप सेकंड लास्ट पे हो. पहले सेकंड पूछूंगा तभी आएंगे ना लास्ट बेंच. आप देखो लास्ट बेंच वाले दोनों, देयर इज अ वन क्वेश्चन, ए रेशो बी इज इक्वल टू 5:7. लिख लिया. वी रेशो सी इज इक्वल टू 14:21. आप जल्दी से सॉल्व कीजिए जिनको आता है सॉल्व करने. और आप लोग देखो बेटा यहां पे, ए रेशो बी रेशो सी क्या बनेगा? सबसे पहले 5, आगे कौन सी रेशो आएगी बोलो? अब 5 के आगे 7,
उसके बाद लास्ट कौन सी आएगी? है? अब आपको समझ आ रहा है, आपको नहीं समझ आएगा ये सेवन कहां से आया। देखो लास्ट बेंच वाले बच्चे देखो बेटा, ए आपकी फर्स्ट वैल्यू है बेटा जी, क्लियर? प्लीज लिसन फॉर वन मिनट। लास्ट बेंच बेटा फाइव क्लियर हो गया, बी की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास? क्लियर हो गया। सी की वैल्यू क्या है अपने पास? 14 और 21 रिपीटेड हो जाएंगे नंबर, तो 7 3 21, ये 7 के टेबल में, दिस इज ऑल्सो 7। गॉट इट? अब अगला क्वेश्चन ध्यान से मैं आपसे पूछूंगा बेटा, ये देखो यहां देखो आपके पास क्या बनेगा, 5, ध्यान से देखिए 7, और ये वाला नंबर यहां पे रिपीट हो जाएगा अगेन 7, और उसके बाद यहां पे क्या आ जाएगा नेक्स्ट में 14, फिर से रिपीट हो जाएगा 14 और 21। बस ये टेबल बना दिया मैंने। प्लीज राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन स्पीडली। द मीन प्रपोर्शन, द मीन लिखिए क्वेश्चन, द मीन प्रपोर्शन ऑफ, द मीन प्रपोर्शन ऑफ 0.32, द मीन प्रपोर्शन ऑफ 0.32 एंड 0.02। मीन प्रपोर्शन मैंने पहले भी बताया था, मीन मीन्स एवरेज, तीन नंबर्स की एवरेज कैसे फाइंड करते हैं, हाउ वी विल फाइंड, वेरी सिंपल, दो फॉर्मूले बेटा, या तो आप लिखोगे 0.32 ओवर एक्स इक्वल टू एक्स ओवर 0.02। यस, दिस टेबल व्हाई बेटा, ऐसे है पेपर में मीन निकालने का सिंपल मल्टी, एक अगर आपको लगता है सर दिस इज वेरी लेंथी, कुछ नहीं करना है, अंड रूट लगा दो, 0.32 0.02 एवरेज आ गई। विच मेथड यू वॉन्ट इट्स अप टू यू। ये बन गया, मैंने उस दिन भी बताया था मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 64 डेसिमल के बाद दो डिजिट ये और दो ये हैं, टोटल कितने डिजिट बन गए, 4। सिंपल वे, लास्ट बेंच आपको पता है ना हाउ टू डू इट बेटा, पहले सिंपल मल्टीप्लाई किया 2 × 32 64, डेसिमल के बाद दो नंबर है और डेसिमल के बाद दो है, दो और दो कितने हो गए, चार नंबर, 1 2 3 4। अब 64 का स्क्वेयर रूट क्या होता है, 8, वेरी गुड, और दो जीरो का एक जीरो बचेगा, दिस इज योर आंसर 0.08। आता है बेटे आपको करना स्क्वेयर रूट, आपको पूछ रहा हूं बेटे यहां पे, यू नो, नहीं आपसे पीछे, यू नो बेटा हाउ टू फाइंड द स्क्वेयर रूट, नहीं पता तो देखिए पूछो बेटा, तो क्या फायदा इसका, 1 2 3 4 बन गया। अब आपको बोला है स्क्वेयर रूट निकालना है, इसका भी निकलेगा और इसका, 64 का स्क्वेयर रूट क्या होता है 8, और इसकी दो जीरो, इसका स्क्वेयर रूट क्या बनेगा 100। जब इनको डेसिमल की फॉर्म में लिखेंगे तो दैट इज योर आंसर। अब गॉट इट? राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज नोट डाउन इफ यू वॉन्ट टू नोट डाउन। द रेशियो ऑफ टू नंबर, लिखिए द रेशियो ऑफ टू नंबर, द रेशियो ऑफ टू नंबर 3:4, यस प्लीज, द रेशियो ऑफ टू नंबर 3:4 एंड देयर सम इज 420 एंड सम इक्वल टू 420, फाइंड द ग्रेटर ऑफ द टू नंबर्स, फाइंड द ग्रेटर ऑफ टू नंबर्स। बोले आपके पास ऐसे दो नंबर है जिनको ऐड करके 420 बनता है, उसके बाद इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है उसकी वैल्यू निकालिए। तो आपको भी पता है जब दो नंबर दिए हो तो सबसे पहले लिखते हैं 3x प्लस 4x इक्वल टू 420। मैंने बेटा प्लस क्यों लगाया, क्योंकि ऑलरेडी दिया हुआ है, एवरेज नहीं है, सम दिया हुआ है, दिस इज सम। अब ऐड करेंगे 7x इक्वल टू 420, व्हाट इज x, 420 ओवर 7 इट बिकम्स 60। तो फर्स्ट नंबर क्या बनेगा, फर्स्ट नंबर 3 × x, वेरी गुड, एंड सेकंड नंबर 4 × 60 240। कौन सा ग्रेटर नंबर है दोनों में से, तो आप लिख सकते हैं ऑप्शन आएगी, दिस इज योर ग्रेटर नंबर।
या ये आपका बड़ा नंबर है. गॉट इट? कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, लिखिए फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन nth टर्म ऑफ एपी. आप लोगों ने एपी किया हुआ है? कितने बच्चों को आता है एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? मैं इसके ना तीन चार फॉर्मूले कराऊंगा पहले आपको, देन यू विल डू द क्वेश्चन. एपी मींस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. मान लो 1 2 3 4, कितने बच्चे बैठे हुए हैं? 4. इनके नीचे 10 10 बच्चे बैठे हुए हैं, सपोज कर लिया हमने, तो ये क्या बनेगा बेटा? प्रोग्रेशन. एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा. दिस इज एपी. और एपी के अंदर सबसे पहले फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर का नेम क्या होता है? ए, स्मॉल ए. उसके बाद दो नंबर के बीच में डिफरेंस, अभी बताया ना मैंने, उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस. उसका नेम होता है स्मॉल डी, विच इज इक्वल टू ए टू माइनस ए वन, सेकेंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर, या थर्ड नंबर माइनस सेकेंड नंबर, या सो ऑन. सो ऑन मीन्स अप टू एन नंबर्स. ये हो गया डिफरेंस. उसके बाद आपने ए एन निकालना है. ए एन बोलते हैं लास्ट टर्म को. किसको बोलते हैं? कई बच्चे इसको लास्ट टर्म बोलते हैं और कई बच्चे इसको एंथ टर्म बोलते हैं. दोनों नेम सही है, लास्ट टर्म भी और एंथ टर्म भी. इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. गॉट इट? उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला आता है एस एन. इसको बोलते हैं सम ऑफ द नंबर्स, सम ऑफ एन टर्म्स. क्या बोलते हैं? सम ऑफ एन टर्म. अगर आप पंजाबी मीडियम के, वहां भी एस एन ही लिखते हैं इसको. ओके okay? इसका फॉर्मूला है एन वाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. अब ए क्या होता है बेटे? फर्स्ट टर्म. डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस. एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स. क्लियर हो गया सभी को? इसके दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो ये हो गया, एक और होता है ए प्लस एल. ये सारे याद होने चाहिए, तब जाके कंपटीशन के क्वेश्चन होंगे. यानी कि फटाफट सबसे आपसे कोई पूछते हैं बेटा फाइंड ए फोर. क्या बोल दिया? फाइंड ए फोर. कौन सा फॉर्मूला लगेगा? दिस वन. ए फोर मीन्स एन की वैल्यू 4. कोई पूछता है फाइंड द सम ऑफ 4 टर्म्स, ये फॉर्मूला लगेगा. कोई आपसे पूछता है लास्ट टर्म इज गिवन फाइंड द एस एन, तो ये फॉर्मूला लगेगा. गॉट इट? डिफरेंस इज क्लियर? नाउ आई एम राइटिंग सम क्वेश्चंस. बेटा पहला क्वेश्चन लिखिए सारे बच्चे फटाफट. क्वेश्चन नंबर 1 2 4 6 8 10 टर्म्स, 2 4 6 8 10 टर्म्स. 10 टर्म्स का मीनिंग क्या होता है? एन इज इक्वल टू 10. बेटा एक क्वेश्चन समझ लो, आपको सारा समझ आ जाएगा. सबसे पहले क्या होगा? एन इज इक्वल टू 10. व्हाट इज द फर्स्ट नंबर? तो ए कितना हो गया बेटा जी? 2. उसके बाद कॉमन डिफरेंस निकालना हो, सेकंड माइनस. वेरी गुड, तीन चीजें क्लियर हो गई. अब आपसे पूछा गया है फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म. आपने निकालना है ए 10. अब देखिए कैसे अप्लाई करना है. ए पहले फॉर्मूला लिखेंगे पेपर में, ए प्लस एन, एन की जगह कितना आएगा? 10 इंटू डी. आ गया. व्हाट इज ए? 2. 10 से 1 गया 9, और ये 2, 9 2 18 प्लस 2 कितने हो गए? 20. अच्छी तरह समझ आ गया? अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ बेटा, मैंने किसी का घर विजिट करना है, लेकिन आप बोलते हैं सर हमारे घर में जब आपने आना है तो जो स्टेज बनी हुई है उसमें दो दो स्टेप हैं. कितने स्टेप्स हैं? दो स्टेप हैं. तो मैं बोलूँगा बेटा टोटल कितने स्टेप हैं? आप बोलोगे सर 20 स्टेप हैं. तो मैं बोलूँगा बेटा आपके लास्ट स्टेप के नंबर निकाल सकते हो? आप बोलोगे यस सर आई नो, बिकॉज फर्स्ट स्टेप 2 के बाद है, तो ए इज इक्वल टू 2. डी क्या हो जाएगा? 4 माइनस 2 2. एन कितना हो जाएगा? 20 स्टेप है, एन इज इक्वल टू 20. सारी वैल्यूज अप्लाई कर दो, दैट इज योर आंसर. क्लियर हो गया? Yes, अब इसी क्वेश्चन का मैंने बोला बेटा विद इन वन क्वेश्चन आई विल सॉल्व एवरी क्वेश्चन. आपने अब यहां से निकालना है एस 10. क्या निकालना बेटा जी? S10. अब आप क्या करोगे? एन वाई टू
एन, देखिए ये फॉर्मूला एन वाई टू, टेन ओवर टू हो गया। उसके बाद आप पता क्या करोगे पेपर में, व्हाट इज ए, यस टू फॉर्मूला देखिए एन वाई टू। अब आप देखिए आपके पास आप ए टेन निकाल चुके हैं, ए टेन मीन्स लास्ट टर्म, आपको बस लास्ट टर्म ऑलरेडी गिवन है, तो फर्स्ट फॉर्मूला लगेगा सेकेंड, क्योंकि टाइम मत वेस्ट करना पेपर में, सेकंड लगेगा, एल आप निकाल चुके हैं, तो क्या बनेगा एन वाई टू, व्हाट इज ए टू, व्हाट इज एल 20, तो ये बन गया 10 ओवर 2 कितना बन गया 5, और ये 22 इट बिकम्स 110, दैट इज योर आंसर। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बेटा ये मार्कर ले आना सर से, बोल खत्म हो गया मार्कर, इसने ऑफिस से सर बोले मार्कर वर्क नहीं कर रहा है। एन फाइंड एन इफ nth टर्म ऑफ ए पी, इफ nth टर्म ऑफ ए पी 63, 65, 67 सो ऑन एंड 3, 10, 17 सो ऑन आर इक्वल, आर इक्वल। दोनों फिर सुन लो बेटा, फाइंड द व्हाट वैल्यू ऑफ द एन इफ nth टर्म ऑफ ए पीज आर इक्वल टू ईच अदर, कौन करेगा इसको, कैन यू सॉल्व। चलो कोई बात नहीं बेटे, आपके पास दो n टर्म है, मेरी बात सुनो, जितने अच्छे आप दांत निकाले उतना पढ़ना स्टार्ट कर दो, सारे ऑफिसर बन जाओगे, रियली आई एम टेलिंग यू ट्रूथ। नहीं तो ये बोले ना, मैं छोटी सी अगर सर रिकॉर्डिंग एक बंद करूंगा, इनको एग्जांपल दूंगा मैं इनको। द क्वेश्चन, आपके पास दो ए एन टर्म्स हैं, दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब क्या होता है, ए एन वन ऐसे बोलते हैं इनको, ए एन वन इज इक्वल टू ए एन टू, दोनों अलग अलग ए पी हैं। अब ए एन का फॉर्मूला आपको पता ही है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब पेपर में एक गलती मत करना, देखो मैं क्या लिखने जा रहा हूं, ए वन डी वन, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, और यहां पे क्या बनेगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, थोड़ा चेंज कर दो। अगर पेपर में आपको लगेगा सर ये सेकंड टर्म है मेरे से गलती हो सकती है, तो एक काम और कर सकते हैं ताकि आपसे गलती ना हो, इसको लिख दो कैपिटल ए और यहां पे लिख दो कैपिटल डी, ताकि कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए, गॉट इट। अब बेटा फर्स्ट का देखो, इसको स्मॉल ए कर दो, इसको डी वन कर दो, अब कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। अब बेटा व्हाट इज ए, वेरी गुड, व्हाट इज डी, 65 माइनस 63 कितना हो गया 2। अब ये फॉर्मूला लगा दो, 63 प्लस एन माइनस वन इंटू टू, पहला स्टेप क्लियर हो गया बेटे। अब इस तरफ आ जाओ, व्हाट इज ए, 3, और 10 में से 3 चला गया कितना हो गया 7, यहां पे लिख दो ए 3 डी इक्वल टू 7, ये बन गया 3 एन माइनस वन इंटू। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें टाइम भी लगेगा और लॉजिक भी लगेगा। अब बेटा एन वाले नंबर इकट्ठे कर लो, एन माइनस वन इंटू टू, और ये वाला इस तरफ आएगा एन माइनस वन इंटू सेवन, प्लस इस तरफ आके माइनस हो गया बेटा जी, और इस तरफ 3 और ये इस तरफ चला जाएगा माइनस 63, क्लियर। अब देखिए ये एन माइनस वन है और ये भी एन माइनस वन है, दोनों कॉमन है, यहां से एन माइनस वन कॉमन आ गया, यहां से बच गया 2 और यहां से बच गया माइनस 7 और ये बच गया माइनस 60, इज इट क्लियर। अब ये बन गया n माइनस वन, 2 माइनस 7 कितना होता है बेटे माइनस 5, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, दोनों कैंसिल हो गए। अब बन गया n माइनस वन इक्वल टू 60 ओवर 5, कितना बन गया 12, 12 आ गया बेटा जी। अब आपने n निकालना है, तो क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 12 प्लस 1 विच बिकम्स, गॉट इट, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज टेक योर टाइम एंड नोट डाउन। नोट डाउन, आई विल रिपीट इट, बाकी बच्चे नोट कीजिए। बेटा आपके पास दो अलग अलग ए पी हैं, अलग अलग है दोनों, फर्स्ट का ए कितना हो गया बेटा 63, डी कितना हो गया 2, सेकेंड का ए कितना हो गया बेटा 3 और डी कितना हो गया 7, समझ गए 10 माइनस 3 7। अब आपने इस तरफ भी फॉर्मूला लगा दिया और इस तरफ भी फॉर्मूला लगा दिया, उसके बाद क्या किया, जो n वाले नंबर हैं दोनों एक तरफ कर लिए, तो n माइनस 1 कॉमन आ गया बेटा जी, और यहाँ पे 2 था वो अंदर आ गया, यहाँ पे 7 है वो भी अंदर आ गया,
उसके बाद 2-7 कितना होता है -5, यहाँ पे -60, माइनस माइनस कैंसिल हो गए, अब क्या हो गया n माइनस 160/5 12, उसके बाद n इज इक्वल टू 30, गॉट इट? प्लीज सभी बच्चों ने लिख लिया, हैव रिटन एवरीवन? वन मोर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, प्लीज प्लीज टेक योर टाइम, हैव यू रिटन एवरीवन? फिर देखिए बेटा, वन मोर टाइम आई एम रिपीटिंग दिस क्वेश्चन, बेटा दिस इज द फॉर्मूला यू हैव टू क्रैम, फॉर्मूला याद कर लोगे? ए आपको दिया गया है, डी दिया गया है, ए दिया गया है, डी दिया गया है, गॉट इट? आप बेटा जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं हम, बेटा ए की वैल्यू आपको गिवन है, ये 63, डी क्या होता है इसमें से इसको माइनस करते हैं, लिखा हुआ है ना 2, तो मैंने ए की वैल्यू फिल कर दी फॉर्मूले में और डी की वैल्यू फिल कर दी, उसके बाद सेम थिंग यहाँ पे ए 3 है और डी कितना है 7, उसके बाद दोनों अलग अलग कर लिए, सॉल्व कर दिया, गॉट इट? लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, प्लीज नोट डाउन, इफ एपी ऑफ द नंबर्स, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी ऑफ नंबर्स लाइक 5, 10, 15, 25, up to 50 terms, फाइंड एस 50, कैन यू फाइंड? कीजिए फाइंड बेटा जल्दी से, फाइंड एस 50, एस 50, एस 50, मैं यहां पे रिपीट कर रहा हूं जिन बच्चों को नहीं आता बेटा, देखिए व्हाट इज ए, ए इज 5, व्हाट इज डी 10-5=5, व्हाट इज एन 50, लिखा हुआ ना बेटा 50 टर्म्स, आप फाइंड कीजिए एस 50 एन वाई 2, यही फॉर्मूला है बेटा जी, 2 into a प्लस एन माइनस 1, व्हाट इज एन 50 और व्हाट इज डी, डी इज ऑल्सो 5, फर्स्ट स्टेप इज क्लियर बेटा, क्लियर हो गया आपको? ये फॉर्मूला है, उसके बाद 2 into 25, 5 2s are 10, 49 into 5 25, 10, और ये बन गया 345, नो 245, गॉट इट? कभी आपको लगे ना सर पे आपने डायरेक्ट कैलकुलेशन कैसे की, कुछ मत करो, 50 के नजदीक है, 50 को 5 से सबको पता है 5 5s are 25, उसमें से एक नंबर माइनस कर दो, 5 माइनस हो जाएगा तो क्या बन गया 245, अब आगे बन गया 25 into 255, अब आपको मल्टीप्लाई करने आता है सबको, दिस इज योर आंसर, गॉट इट? थैंक यू, हैव अ नाइस डे.